गाइज हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग्स। जो मैं आज आपको इन्वेंट्री दिखाऊंगा फ्रेंड्स, ये बेसिकली सेक्टर 4 गुड़गांव में है। प्लॉट साइज 250 यार्ड का प्लॉट साइज़ है। नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, फ्रंट साइड से बैक साइड से वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स। सामने में 8 मीटर की रोड जा रही है जो कि आप देख सकते हो ये, और ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। इसमें भी थर्ड फ्लोर अवेलेबल है सेल के लिए। इवन मैं आपको इस साइड भी दिखाना चाहूँगा, इधर भी देख सकते हो आप, यहाँ भी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो प्रॉपर, जो कि ये इसका जो लुक है व्यू देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और यहाँ पे सामने में 8 मीटर की रोड जा रही है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अगर लोकेशन की बात करूँ फ्रेंड्स, लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है देखने में। सामने में सारे कोठियाँ बनी हुई है जो कि आप देख सकते हो, और इधर भी रोड जा रही है। चूँकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये, तो इस साइड से भी रोड है, इधर से भी रोड है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये भी। और ये इसका हो गया फ्रंट व्यू जो कि देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, इसके लुक्स काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये। और 250 यार्ड का ये प्लॉट साइज़ है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू दी स्टिल पार्किंग, ये इसका पार्किंग हो गया। ये इसका मेन गेट है, ये छोटी सी गेट यहाँ लगी हुई है। और ये इसका स्पेस है फ्रेंड्स जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। और यहाँ पे आप गाड़ी की मतलब इसमें थर्ड फ्लोर अभी है सेल पे, आप इसमें दो गाड़ी की पार्किंग रख सकते हो यहाँ पे। और ये आपका हो गया लिफ्ट एरिया और स्टेयर केस यहाँ जाने के लिए। इवन आपको यहाँ पे भी आप देख सकते हो फ्लोरिंग में सारे में फ्लोरिंग होगी इसमें। ये इसका स्पेस छोड़ा गया है चूँकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हो आप पार्किंग के लिए। और ये इसका कुछ स्पेस छोड़ा गया यहाँ पे। और इस साइड आपको इधर भी कुछ स्पेस दिया गया है। और यहाँ पे हो गया जस्ट लिफ्ट एरिया और ये हो गया स्टेयरकेस। प्रॉपर इसमें मार्बल लगी हुई है, रेलिंग में आपको स्टील का काम किया गया है। मूविंग ऑन टू दी टेरेस एरिया, इवन आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर फ्लोरिंग की गई है। और इसमें यहाँ पे भी आपको प्रॉपर सिंटेक्स मिल रहा है, मतलब तो पर फ्लोर एक एक चार सिंटेक्स यहाँ लगी हुई है जो कि आप देख सकते हो ये। और डिज़ाइन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है क्योंकि 250 यार्ड है प्लॉट साइज़, तो इसका जो टेरेस है भी काफ़ी बड़े साइज़ का है। और ये इसका हो गया फ्रंट व्यू, यहाँ से आप सामने की तरफ नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है जैसा कि मैंने बताया था आपको। और यहाँ पे भी प्रॉपर आपको सारा कुछ बना हुआ है। ये आपको हो गया जस्ट, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया। इवन आप देख सकते हो यहाँ पे भी आपको जस्ट रैंप एरिया है, यहाँ पे प्रॉपर गेट आ गई है, छोटी गेट एक बड़ी गेट है यहाँ पे। 8 मीटर की रोड जा रही है। लोकेशन वाइज आप देख सकते हो, लोकेशन वाइज देखने में ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, चूँकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है। मैं आपको इस साइड भी दिखाता हूँ, एक बड़ी एक आइडिया दे रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ पर भी प्रॉपर आप अपनी गाड़ी की पार्किंग कर सकते हो। और ये इसका हो गया टेरेस, देख सकते हो प्रॉपर। मूविंग ऑन टू दी फ्लोर, हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम ब्लॉग। जो मैं आज आपको दिखाऊंगी इन्वेंट्री 250 साइज़ का प्लॉट साइज़ है। और जो कारपेट एरिया है फ्रेंड्स इसका, ये 1615 स्क्वायर फीट हो गया। और ये नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है, कॉर्नर की प्रॉपर्टी है ये। और जस्ट मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको, ये इसका फर्स्ट बेडरूम हो गया, ये इसका ड्राॅइंग रूम है और इसको जस्ट स्टोर या पूजा रूम बोल सकते हो आप। ये इसका किचन एरिया हो गया और ये इसका हो गया सेकंड बेडरूम, इसका हो गया थर्ड बेडरूम। लेट्स स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द फर्स्ट बेडरूम। आप देख सकते हो इसमें सारे में टाइल्स का काम होगा, सारे वेट्रीफाइड टाइल्स लगेगी इसमें। इसमें प्रॉपर आपको विंडो का डोर का प्रोविज़न दिया हुआ है, यहाँ फॉल सीलिंग का काम इसमें दिया हुआ है, प्रोविज़न यहाँ भी छोड़ा गया है। और ये इसका सीलिंग हो गया फ्रेंड्स,
और इससे अटैच ये कवर्ड है जो इन्होंने प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस छोड़ा है इन्होंने जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इससे अटैच ये वॉशरूम है, थोड़ा सा अंधेरा है बट मैं कोशिश कर रहा हूँ ये आप दिखाने का जितना हो सकता है मेरे से। ये इसका विंडो हो गया, प्रॉपर दिया हुआ है इसमें एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए। और जो इसमें फिटिंग्स एंड फिक्सचर्स हैं सारे बाथ के लगेंगे। और ये वॉश बेसिन और कमोड जो है वो आपको जैगुआर के मिलेंगे इसमें। और फ्लोर टाइल्स भी सारे इसमें वेट्रीफाइड आपको टाइल्स के काम होगी। मूविंग ऑन टू दी फ्रंट बालकनी, जो कि ये इसका फ्रंट बालकनी हो गया और इसमें भी आपको टाइल्स का काम होगा सारे में। यहाँ एसी के प्रोविज़न दिए हुए हैं जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका फ्लोरिंग हो गया फ्रेंड्स, आप देख सकते हो काफ़ी ह्यूज साइज़ का बालकनी है ये। और नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है फ्रेंड्स, ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है, सामने में यहाँ पे स्पेस दिया हुआ है, यहाँ पे रैंप एरिया हो गया, यहाँ पे भी दिया हुआ है, इवन आप यहाँ पे भी अपना गाड़ी का पार्किंग कर सकते हो। एक बारी मैं आपको दिखाना चाहूँगा क्योंकि ये कॉर्नर की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, इस साइड भी आप देख सकते हो यहाँ पे भी प्रॉपर आपको स्पेस मिल रहा है। और ये इसका कुछ फ्रंट व्यू हो गया, साइड व्यू हो गया। और ये इसका फ्रंट व्यू हो गया फ्रेंड्स, लोकेशन वाइज भी देखने में काफ़ी अच्छा है इसका। सामने में सारे कोठियाँ बनी हुई है, सामने में 8 मीटर की रोड जा रही है ये। और मूविंग ऑन टू द सेकेंड बेडरूम और ड्राइंग रूम, जस्ट इस हॉल से कनेक्ट हो रही है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द ड्राइंग रूम, आप देख सकते हो इसमें प्रॉपर जो फ्लोरिंग में टाइल्स का काम होगा, इसमें विंडो का प्रोविज़न, डोर का प्रोविज़न दिया हुआ है, इसमें एसी के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है इसमें। और ये फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है और सेम मैंने दिखाया था अभी आपको बैल्कनी इसका, इसमें भी आपको सारे वेट्रीफाइड टाइल्स का काम होगा, टाइल्स लगेगी इसमें। और ये इसका बैल्कनी का साइज़ हो गया, साइज़ काफ़ी ह्यूज साइज़ का बैल्कनी है जो कि आप देख सकते हो ये। और इसमें जो इस ये इसका रेलिंग हो गया प्रॉपर, इसमें आपको ग्लास का कुछ डिज़ाइन होगा इसमें। और यहाँ इन्होंने कुछ वुडन टाइल्स का काम किया हुआ है जो कि इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है, जो कि आप ये देख सकते हो। और यहाँ पे भी एसी के लिए प्रोविज़न दिया गया है, ऑटो डिनेट के लिए यहाँ भी है, इवन आपको एक यहाँ भी दिया हुआ है। मूविंग ऑन टू दी सेकेंड बेडरूम, इवन आप देख सकते हो इसमें भी फ्लोरिंग में टाइल्स नहीं लगी हुई, टाइल्स का काम होगा इसमें, फॉल सीलिंग का काम नहीं हुआ हुआ इसमें। और यहाँ पे विंडो का, डोर का प्रोविज़न मिल रहा है इसमें। इससे अटैच्ड ये इसमें आपको वार्डरोब के लिए प्रोविज़न छोड़ा गया है जो कि आप ये देख सकते हो। और मूविंग ऑन टू दी ये आपको अटैच वाशरूम है इसके साथ, इसमें भी आपको फ्लोरिंग में सारे में टाइल्स का काम होगा, फिटिंग्स एंड फिक्सचर सारे बाथ के मिलेंगे इसमें आपको, कमोड वाश बेसिन सारे जैगुआर के मिलेंगे। इवन आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर आपको विंडो के लिए यहाँ प्रोविज़न दिया गया है। और यहाँ पे आपको सीलिंग शावर मिलेगी। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, जो कि मैंने बताया था फ्रंट जो है नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है फ्रेंड्स, और ये बैक साइड जो है ये आपको वेस्ट फेसिंग है जो कि आप देख सकते हो ये। और ये इसका बालकनी हो गया, बालकनी में टाइल्स का काम नहीं हुआ हुआ है, काम इसमें होगा टाइल्स का। एसी के लिए जो प्रोविज़न यहाँ पे छोड़ा गया आउटर यूनिट के लिए, जो कि आप देख सकते हो यहाँ भी एक छोड़ा गया है, एक इवन आपको यहाँ भी छोड़ा गया है जो कि आप देख सकते हो। चूँकि कॉर्नर की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स ये, तो आपको पार्किंग का कभी भी यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि यहाँ भी स्पेस दिया गया है। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम, जो कि इस हॉल से कनेक्ट हो रहा है, इवन आप देख सकते हो इसमें भी प्रॉपर आपको टाइल्स का काम होगा, टाइल्स नहीं लगी हुई इसमें, विंडो का प्रोविज़न दिया हुआ है इसमें, डोर के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है। इससे अटैच ये वार्डरोब के लिए यहाँ प्रोविज़न छोड़ा गया है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये। और इससे अटैच ये वॉशरूम है, अभी तो इसमें लाइट का प्रोविज़न नहीं दिया गया है बट जितना हो सकता है मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, रफ आइडिया। इसमें सारे फिटिंग्स एंड फिक्सचर सारे बाथ के आएंगे, और कमोड और वॉश बेसिन सारे जैगुआर के मिलेंगे इसमें। इसमें भी आपको प्रॉपर यहाँ दिया हुआ है विंडो का प्रोविज़न एयर लाइट वेंटिलेशन के लिए, क्रॉस वेंटिलेशन होगा इसमें। मूविंग ऑन टू दी बैक साइड बालकनी, जो कि थर्ड बेडरूम से अटैच है,
इवन आप देख सकते हैं इसमें भी, अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, इसमें सारे में टाइल्स काम होगा, अभी नहीं हुई हुई है। इसमें आउटडोर यूनिट के लिए प्रोविजन छोड़ा गया है। इसमें वेस्ट फेसिंग, बैक साइड इसका वेस्ट फेसिंग है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हो यहाँ पे भी कुछ स्पेस छोड़ा गया है, जो कि आप देख सकते हो। ये अगर मैं बात करूँ इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन भी काफ़ी अच्छा है, प्रॉपर सेक्टर 4 गुड़गांव है ये। और कॉर्नर की प्रॉपर्टी है फ्रेंड्स, मूविंग ऑन टू द किचन एरिया। ये इसका किचन एरिया हो गया फ्रेंड्स, यहाँ इसमें भी आपको विंडो का प्रोविजन दिया गया है, प्रॉपर मॉडर्न किचन रहेगा, नीचे सारे बॉक्सेस आ जाएंगे। यहाँ पे सिंक के लिए प्रोविजन दिया गया है, और चिमनी के लिए भी यहाँ पे पॉइंट दिया गया है। इसका जस्ट मैं एक आपको वॉक अराउंड दे रहा हूँ। फ्लोर में इसमें भी टाइल्स का काम होगा। मूविंग ऑन टू दी स्टोर रूम और पूजा रूम, इसमें भी आपको टाइल्स लगेगी, प्रॉपर वेट्रीफाइड टाइल्स का काम होगा। विंडो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है। और मूविंग ऑन टू दी लॉबी एरिया, इवन मैं आपको जस्ट एक आइडिया दे रहा हूँ कि इसका साइज क्या है। इवन आप देख सकते हो इसमें भी फ्लोरिंग का अगर मैं बात करूँ इस फ्रेंड्स, इसमें टाइल्स का काम होगा प्रॉपर। और ये लॉबी का साइज, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम नहीं हुआ हुआ है, फॉल सीलिंग का काम भी होगा इसमें। आपको मतलब एसी के लिए प्रोविजन यहाँ भी छोड़ा, एक पॉइंट दिया गया यहाँ पे। और ये इसका लॉबी हो गया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये था 250 यार्ड प्लॉट साइज, सेक्टर 4 गुड़गांव। प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन, वहाँ से चेकआउट कर लेना। इसमें अभी थर्ड फ्लोर अवेलेबल है। अच्छा लगा वीडियो, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा आप लोगों के लिए। अब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।